प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हार्डवेयर के साथ मिलकर चलाने का काम करता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम तरह तरह के हैं जो जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, जिनको हम विंडोज भी बोलते हैं। ठीक है, उन सब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफाइन इट्स फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके फंक्शन को डिफाइन करें। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। यहाँ पे लेना है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो क्या करता है, इंटरफेस का मतलब है मिलाता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आपस में मिलाने का काम करता है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, तरह तरह के फंक्शंस करने के लिए। अब ये फंक्शन जो है यहाँ नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, तो सिंपल से शब्दों में मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ मिलकर चलाता है। ठीक है, सम कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम आर, अब कुछ जो ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस तरह से है, विंडोज 95 है। ठीक है, इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, वो ही बनाती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं विंडोज के बारे में ही, तो मैं आपको विंडोज के बारे में बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, विंडोज 95, विंडोज 95, विंडोज 2000 है सर्वर, विंडोज एनटी, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडो विस्टा, विंडो 8 और विंडो 10। ठीक है, आज तक जो अभी चल रही है वो है विंडो 10, यानी कि हमारा जो लेटेस्ट और एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज 10। ठीक है, विंडोज 7 ज़्यादातर यूज करते हैं, विंडो 10 यूज करते हैं। अभी कंप्यूटर में जो डला हुआ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10। ठीक है, मैं उसके ऊपर ही आपको सारी चीजें समझाऊंगा, उसके फंक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शंस करता है, क्या क्या ये काम करता है। सबसे पहला है, वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे काम करता है, लेकिन यहाँ से कुछ एक जो मेन मेन काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इसका फंक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ग्राफिकल यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ग्राफिकल यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमें ग्राफिकल यानी कि पिक्चर्स के जरिए काम करने वाला एक यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट यानी कि एक पर्यावरण हमें उपलब्ध करवाता है। ठीक है, पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे ना, आज से कई साल पहले वो होती थी एक ब्लैक सी स्क्रीन, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आज से यानी कि कई साल 1980 से पहले पहले इस तरह का इन्वायरमेंट होता था काम करने के लिए हमारे पास, इस तरह का कलरफुल इन्वायरमेंट नहीं होता था। इस तरह की जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस तरह की एक स्क्रीन होती थी जिसके ऊपर कंप्यूटर के सारे काम चलते थे, ये ब्लैक स्क्रीन होती थी। आज से कई साल पहले इसके अंदर ही सारे काम करते थे और मैं यहाँ पे जितने भी काम होते थे वो कमांड के जरिए होते थे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी काम होते थे हमें कमांड टाइप करना पड़ती थी और यही ब्लैक स्क्रीन आती थी और इस तरह से जो वर्ड्स जो भी लेटर्स वगैरह टाइप करते थे यानी कि कमांड के जरिए हम काम करते थे, एडिटिंग भी ऐसे ही चलती थी इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे सारे काम होते थे लिखने वाले भी। तो ये था पहले का एनवायरनमेंट, पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका नाम है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। लेकिन अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब देखो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है,
जैसे मैंने आपको बोला ना कि इट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर कई पुर्जे लगे होते हैं, उन सारे के सारे पुर्जों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर ऑपरेट करता है, चलाता है, ठीक है। अब ये देखो, ये है, ये जो कलरफुल एनवायरनमेंट नजर आ रहा है हमें, ये सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। ये देखो, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से सारे के सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे जितने भी सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं ये इसके अंदर जो है, ठीक है। तो ये जितने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ना, बड़े से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चल रहे हैं, यानी कि पहले डलती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर विंडोज। ये जो छोटे छोटे से यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम के आइकन्स नजर आ रहे हैं, ये नहीं होते हैं कंप्यूटर में। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है तो बिल्कुल यहाँ पे स्क्रीन सारी की सारी ये यहाँ पे खाली होती है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। बस ये होता है, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया, इसके अंदर ये प्रोग्राम्स भी नहीं होते हैं, ये बाद में डाले हुए हैं सारे के सारे। एक खाली सा एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डलता है इसके अंदर, फिर उसके अंदर हम सारे के सारे जितने भी हैं ये एप्लीकेशंस डालते हैं। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन होता है ना, नया खरीदते हैं, उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कुछ एक एप्लीकेशंस डाली होती हैं, कुछ एक सॉफ्टवेयर डले होते हैं, बाद में हम सारे के सारे प्ले स्टोर से डालते हैं। सेम वैसे ही है कंप्यूटर के अंदर भी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आज से कई साल पहले इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहने का मतलब है कि बोल रहे हैं कि इट प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट टू परफॉर्म ऑल दी फंक्शंस विद ग्राफिकल्स एंड पिक्चर्स, ठीक है। यानी कि पहला जो इसका यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ग्राफिकल यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ग्राफिकल इसलिए बोल रहे हैं कि यूजर फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि ये देखो यहाँ पे पिक्चरों के जरिए काम कर रहे हैं, फटाफट क्लिक कर रहे हैं, चीजें चल रही हैं, कोई भी कमांड लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, फटाफट क्लिक करो और चल रही हैं चीजें, क्लिक कर रहे हैं चीजें चल रही हैं, ठीक है। ये देखो क्लिक किया, फटाफट चीजें चल रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले वाला था, पुराने वाला, यहाँ पे कोई क्लिक नहीं होती है, ये देखो कोई क्लिक नहीं है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, कमांड्स लिखना पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरह का काम करना हो तो उसके लिए हमें कमांड्स लिखना पड़ती है। लेकिन अब हमारे पास जो है वो ग्राफिकल यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, छोटी छोटी सी पिक्चरें बनी हुई हैं, एकदम से पहचान में आता है कि कौन सा एप्लीकेशन है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, फटाफट क्लिक कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है। और अट्रैक्टिव भी है देखने में, गाने चल रहे हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे फ़ोन है, फ़ोन के अंदर भी एक तरफ गाने लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ हम एडिटिंग कर रहे हैं, मैसेज टाइप कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, फोटोज़ खींच रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये एडवांस और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे इनके फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे जो आपको फंक्शंस दिए हुए हैं, पहले वाला था कि ग्राफिकल यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता था, जो मैंने आपको अभी दिखा दिया, ठीक है। सेकंड आता है कि इट मैनेज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, वीडियो एटसेट्रा। इट मैनेज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी होती है ना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही लगी होती हैं इसके साथ, जो क्या करते हैं, जैसे कि जैसे यहाँ पे बताया हुआ कुछ एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दिए हुए हैं, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड का काम होता है कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करने का, माउस का भी काम वैसे ही है डाटा एंटर करने का, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस हैं। प्रिंटर का काम है आउटपुट दिखाने का, और वीडियो होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका काम होता है जैसे ये है ना स्क्रीन, यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन LCD LED वगैरह जो भी हैं उनके ऊपर चीज़ों को दिखाने का काम, यानी कि ये जितने भी कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर हम कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं इनको मैनेज करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। ये जो हमें बढ़िया सा एनवायरनमेंट दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही, ऑपरेटिंग सिस्टम इस काम को कर रहे हैं, कीबोर्ड लगा रहे हैं कंप्यूटर के साथ, माउस लगा रहे हैं, स्पीकर लगा रहे हैं, ब्लूटूथ स्पीकर्स लगा रहे हैं, कुछ भी अटैच कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ, तो इन सबको मैनेज करने का काम कर रहा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर का बहुत बड़ा जो सॉफ्टवेयर है वो इस काम को कर रहा है, यानी कि विंडो 10 इस काम को कर रही है। पहले वाले पुराने वाले ये हैं सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 7, ठीक है। जब मैंने सीखना शुरू किया था तो विंडो 98 पे, फिर विंडो 2000 भी सीखी, विंडो NT, विंडो XP, फिर उसके बाद 7 आई, विंडो विस्टा आई, विंडो 8 आई, अब विंडो 10 आ गई है, अब इसके बाद और आ जाएगी आने वाले टाइम में, ठीक है। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया। थर्ड है इसका इट मैनेज मेमोरी यूटिलाइजेशन। अब तीसरा इसका काम है कंप्यूटर के अंदर जो भी मेमोरी है उसको मैनेज करना, उसकी यूटिलाइजेशन, कितनी मेमोरी जो है वो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, कितनी बची हुई है। जैसे फ़ोन में भी तो देखते हैं हम एंड्रॉयड फ़ोन में कि हमारी इतनी मेमोरी भर गई है, मेमोरी की यूनिट्स मैंने आपको भेजी थी कि मेमोरी
जो डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर वो मेमोरी, जिसे हम मेमोरी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि वो टर्म्स में होता है, बाइट्स में, वो सारी की सारी मेमोरी यूनिट्स मैंने आपको लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसमें आपको सारी की सारी एक्सप्लेन कर दी है कि मेमोरी क्या होती है, ठीक है, उसकी मेजरमेंट कैसे होती है, ठीक है। एमबी बोलते हैं ना, एमकेबी, एमबी, जीबी, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, आयोटाबाइट, प्रोटोबाइट, जो भी है, ठीक है, यानी कि उसकी जितनी भी यूटिलाइजेशन, कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी एरिया पे स्टोर हो रहा है, उसका उसकी जो यूटिलाइजेशन है, कितना उपयोग कर रहा है, कितनी बची हुई है, वो सारा का सारा मैनेज करने का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कंप्यूटर का जितना भी डाटा होता है, विंडो 10 में दिस पीसी आता है, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर जैसे हम इसके ऊपर जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है इसके अंदर जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है वो उस तरह से दिखाता है। ये देखो मेमोरी यूटिलाइजेशन कितनी मेमोरी, देखो 232 GB की है, इसमें से 161 GB फ्री है, बाकी सारा का सारा है जो है यहाँ पे ये भर गया है, ये सारी की सारी खाली है, ठीक है, ये भरी हुई है, ये खाली है, यानी कि 146 GB जो 232 GB में से फ्री है, यहाँ पे 287 GB फ्री है 465 में से, ठीक है। तो इसको मैनेज करने का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क डली हुई है वो एक हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर है वो कितना भरा हुआ है हार्डवेयर, उसके ऊपर कितनी चीजें डाली हुई है हमने, ये सॉफ्टवेयर ये उसको दिखाने का काम कर रहा है, यानी कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उस चीज को मैनेज करने का काम कर रही है, उन चीजों को दिखाने का काम कर रही है, ठीक है। तो ये था इसका नेक्स्ट फंक्शन। अब चलते हैं फोर्थ पे, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, बोल रहे हैं कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमें सुरक्षा भी और प्रोटेक्शन भी देता है, हमें सिक्योरिटी प्रोटेक्शन सुरक्षा भी है इसमें, और सुरक्षा जो हमें ये उपलब्ध करवाता है, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन जो हमें ये उपलब्ध करवाता है वो पासवर्ड से, जैसे एंड्रॉयड फोन होता है तो उसमें भी हमने पैटर्न लगाया होता है ना, पैटर्न लगाया होता है अनलॉक करने के लिए, पिन नंबर लगाया होता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम वैसे ही है, जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो शुरू में हमने जो पासवर्ड रखा होता है उसको एंटर करते हैं, फिर इसके अंदर हम काम कर पाते हैं, यानी कि सिक्योरिटी फीचर और प्रोटेक्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, इसी का एक काम है। उसके बाद आया फिफ्थ नंबर पॉइंट, इट मैनेज बैकअप टू प्रिवेंट द कंप्यूटर फ्रॉम डाटा लॉस, बोल रहे हैं कि इसके अंदर एक और फीचर है कि हम बैकअप लेके रख सकते हैं, ठीक है, डाटा को हम सेव करके रख सकते हैं ताकि वो लॉस ना हो, खत्म ना हो, अगर कोई कंप्यूटर में मैकेनिकल कोई इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसके अंदर एक फीचर है कि हम इसके अंदर ऑटोमेटिक बैकअप की एक फीचर है उसको ऑन कर सकते हैं और कंप्यूटर का डाटा जो है वो ऑटोमेटिक उसके अंदर सेव होता रहता है, ठीक है। तो ये काम भी, ये फंक्शन भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है, विंडो 10 का है, ठीक है। इट हेल्प इन डाटा ट्रांसमिशन, बोल रहे हैं कि डाटा को ट्रांसमिट करना, डाटा को दूसरे किसी डिवाइस के अंदर भेजने का काम, ट्रांसमिशन का काम, ठीक है, जैसे पेन ड्राइव में भेजना, डीवीडी के अंदर भेजना, ठीक है, करते हैं ना, मोबाइल फोन से भी हम सेम वैसे करते हैं, डाटा ट्रांसमिट करते हैं, एक फोन से दूसरे फोन में भी भेजते हैं, है ना, तो डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है वो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे डाटा को भेजने का काम। तो इट हेल्प्स इन डाटा ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर डाटा भेजना या फोन से एक दूसरे फोन पे डाटा भेजना या फोन से लैपटॉप में, लैपटॉप से फोन में डाटा भेजना, वाईफाई के जरिए भेजना या किसी एप्लीकेशन के जरिए भेजना, उसमें वाईफाई यूज होता है हमारा, ब्लूटूथ यूज होता है, ठीक है। तो इन सबको मैनेज करने का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन नेटवर्क कनेक्शन, बोल रहे हैं कि एक और हमारी हेल्प करता है ये नेटवर्क के साथ जोड़ने में, नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने में, ठीक है। तो जैसे होता है ना फोन के ऊपर भी तो हम नेट एक्सेस करते हैं ना, वैसे ही हम कंप्यूटर के अंदर भी नेट एक्सेस करते हैं, जो नेट एक्सेस होता है इसके अंदर वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। जैसे ये है फॉर एग्जाम्पल, ये देखो यहाँ पे ये अभी बंद है, मान लो कोई अगर हमने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ जोड़ना है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, वाईफाई ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑन होता है, फिर यहाँ पे ये डिटेक्ट कर देता है हॉटस्पॉट, यानी कि फोन में हम क्या करेंगे हॉटस्पॉट ऑन करेंगे, यहाँ पे डिटेक्ट कर देगा। अगर केबल के जरिए है, लैंडलाइन के जरिए है, तो हम तार लगाएंगे कंप्यूटर के साथ, केबल लगाएंगे तो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है और यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क कनेक्शन का फंक्शन भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। यहाँ पे ये ये लैपटॉप है, लैपटॉप में हम ऐसे बना होता है विंडो 10 में नीचे, यहाँ पे क्लिक करो इस तरह से, हॉटस्पॉट ऑन करो फोन में और यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे क्लिक किया और सेलेक्ट किया हमारा इंटरनेट
एक्सेस हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफी था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी फंक्शन बताए, कुछ एक ही फंक्शन थे इसके मेन मेन, बाकी बहुत सारा काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो जो थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।